बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 एंड दिस इज ऑफ यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें दो से तीन क्वेश्चंस सेम हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की जो है वो नेचर चेंज हो जाती है और हम तमाम क्वेश्चंस को ये देखेंगे कि वो किस तरीके से ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान प्रोसेस सिखाऊंगा ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस आसान से आसान हो सके। अब हम देखेंगे कि शुरू के जो तीन सवाल हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन वन मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूँ और जब मैं आपको क्वेश्चन टू एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको उसका प्रोसेस भी कंप्लीटली समझ आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन टू को देख रहे हैं, एक्स पावर 4 माइनस 3x² - 4 इज इक्वल टू 0। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको अगर हम मिडल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करें तो ये सबसे आसान प्रोसेस होगा। आइए देखते हैं कि अगर हम मिडल टर्म को ब्रेक करें तो कैसे होगा। यहां है 1 टाइम 4 इज 4 और जब 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा। माइनस क्यों करेंगे? आपको मालूम है कि ये माइनस का साइन है तो हमें यहां सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाना है। सो लेट्स सी कि ये क्या बन रहा है। एक्स पावर 4 माइनस, यहां क्या लिखेंगे, 4x² क्योंकि ये स्क्वायर दिया जा रहा है, माइनस x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने मिडल टर्म को यहां ब्रेक कर दिया। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3x² ही आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी इसके फैक्टर्स को ही देखा हमने। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। दिस विल बी एक्स पावर 4 एंड ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमने कॉमन लिख लिया तो अब क्या बच गया, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा, 1, और ये किसके बराबर है, 0। आप जानते हैं कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो तो हम क्या कहेंगे, आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4, वहां जाके प्लस 4, स्क्वेयर हमने खत्म करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल तो ये क्या बच गया, प्लस माइनस 2। ऐसे ही यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वेयर हमने खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड हम क्या कहेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर से ये कैंसिल तो क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लिखेंगे आयोटा। आयोटा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि माइनस 1 जो है वो आयोटा के बराबर है। अगर आप यहाँ रेफरेंस देना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब हमने ये देखा तो क्या हो गया, अब सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं वो लिख लेंगे, क्या है, प्लस माइनस 2 और यहाँ क्या दिया जा रहा है, प्लस माइनस आयोटा। और इसके बाद आप देखें ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हमने क्वेश्चन 1 को भी सिंप्लीफाई किया। आप यहाँ पे भी रेफरेंस दे दीजिएगा कि हमने क्या लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, इसलिए ही हमने लिखा। आप देखें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन 3 का भी सेम प्रोसेस है, वो मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। हम क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई करेंगे। फिर क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जैसा ही है। अब आप यहाँ स्टेप पे फोकस कीजिएगा
कि स्टेप क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में दिया जाने वाला नंबर अगर स्क्वायर रूट में दिया जा रहा है तो आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से मतलब ये है कि जैसे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स 2 इज 6 हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों की पावर हाफ है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ पावर और हाफ पावर मिलके 1 पावर हो जाएगी, यानी ये 3 हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। इसी को कहा जाता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। बाकी प्रोसेस आप जानते हैं कि ये किस तरीके से किया गया है, इस क्वेश्चन को अपने पेयर रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 4 एंड इफ वी सी क्वेश्चन 4 इट इज 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 प्लस 6 इंटू x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अगर हम इसे एक नॉर्मल पैटर्न पे सिंप्लीफाई करें जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। You will multiply the numerator with 6 and then you will take LCM and then you will try to solve it, but it will become a very lengthy and complicated process. So, हमें क्या करना है, हमें इसे आसान तरीके से हल करना है। तो हम देखेंगे कि हमें 2x plus 3 और 2x plus 3 जो है वो सेम नजर आ रहा है तो हम इसे अस्यूम कर लेंगे a के बराबर। हम लिखेंगे 2x plus 3 is equal to a और फिर हमने क्या कहा x plus 1 और ये है x प्लस 1 तो हम इसे अस्यूम करेंगे b के बराबर। लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू b। अब हम a और b की वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 2x प्लस 3 क्या है a, तो यहां भी a आ जाएगा और यहां b लिखेंगे और यहां भी b लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a ओवर b प्लस 6 b ओवर a इज इक्वल टू 7। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा ए बी, ए बी एलसीएम आने के बाद ए बी को बी से डिवाइड कीजिए, क्या बचा ए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी को ए से डिवाइड कीजिए ए कैंसिल बी बचा, बी को 6b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये यहां डिवाइड कर रहा है सेकंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। 7ab को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू a अरेंज भी कर लेंगे, ये हो गया a स्क्वायर ये प्लस 7ab यहां पे आके हो जाएगा माइनस 7ab प्लस 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे तक का प्रोसेस बहुत आसान है और आप ऑलरेडी समझ चुके हैं तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। यहां तक सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम a और b जो हमने सपोज किया था उन वैल्यूज को पुट करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये वही प्रोसेस था जो हमने मिडल टर्म को ब्रेक करके क्वेश्चन 1, 2 और 3 में किया था। अब यहां से स्टेप डिफरेंट है तो मैं आपको समझा देता हूं। a जो है उसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, a की वैल्यू हमने सपोज की थी 2x plus 3 और b की वैल्यू हमने x plus 1 यानी x plus 1 को b के बराबर सपोज किया था, 2x plus 3 को a के बराबर। जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल थी वो हमने कर ली। अब हम जो है a और b की वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर हम एक्चुअल जो वेरिएबल हमें x दिया जा रहा था उसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं a क्या है 2x plus 3 तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे 2x plus 3 इज इक्वल टू b किसके बराबर है x plus 1। सॉल्व करते हैं x यहां पे आके क्या हो जाएगा माइनस x और ये क्या है 1 और 3 वहां जाके हो जाएगा माइनस 3। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2x माइनस x x हो जाएगा और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। ये हमें इसका एक रूट मिल गया। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दी जा रही है 2x प्लस 3
इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू क्या दी जा रही है, x प्लस 1। अब इसे ओपन करते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 6, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लिखेंगे 2x, ये लाइक टर्म है यहाँ पे, यानी 2x और 6x लाइक टर्म है, इन्हें एक साइड पे कर लीजिए, प्लस 6 यहाँ पे आके माइनस 6 हुआ, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 6 और ये क्या है, प्लस 3, वहां जाके माइनस 3 हो जाएगा। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x, और इसे माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 3। माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये प्लस माइनस, इसकी कंप्लीट जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस 4 था, प्लस माइनस, माइनस 3 अपॉन 4 हो गया। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया, यानी हमें वेरिएबल x दिया जा रहा था और हमने x की ही वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, माइनस 3 अपॉन 4 और लिखेंगे माइनस 2। ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन 5 में अगर कोई स्टेप थोड़ा डिफरेंट हुआ तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा।